Hey, what's up guys? Welcome back to Modify Vlogs. मैं हूं अमित एंड आपने वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा होने वाला है हाउ टू प्रॉपरली डिसइंफेक्ट योर मोटरसाइकिल, योर कार, योर ऑफिस एंड योर होम. एंड इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ करना है यहाँ पे. तो ये प्रोडक्ट है काफ़ी स्पेशल एंड मैं दिखा देता हूँ आपको ये प्रोडक्ट क्या है. तो ये है विस्ता ऑटो केयर का एंटी बैक हाइजीन इंटीरियर. सो ये प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने वाला हूँ. बेसिकली इसको यूज़ करके भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको यूज़ करना है एंड वाई दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट राइट नाउ. तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा मैं यहाँ पे. वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. एंड इफ़ यू हैव बीन सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेक श्योर यू डू दैट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो ये है विस्ता कार केयर. तो ये बेसिकली कंपनी है रिसेल प्राइवेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है. एंड इनका ये प्रोडक्ट है एंटी बैक हाइजीन इंटीरियर जो कि बेसिकली अभी लॉन्च हुआ है अंडर दी नेम ऑफ एंटी बैक्टीरियल सीरीज रेंज प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है जो कि क्लेम करता है बैक्टीरिया रिडक्शन अप टू 99%. सामने की तरफ आपको ये पिक्चर्स दिख जाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कार इंटीरियर क्लीनिंग प्रोडक्ट है. और स्टेयरिंग व्हील्स, डैशबोर्ड्स, सीट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इमेजेस से. एंड यहाँ पे आपको कुछ इसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जैसे कि ये सुपीरियर क्लीनिंग एजेंट है विद इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज टू क्लीन एंड फ्रेशन ऑटोमोबाइल इंटीरियर इंस्टेंटली. दिस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूजेस सिल्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू ऑफर 99% प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया. द प्रोडक्ट इज जेंटल ऑन सर्फेस एंड इम्पेकेबली रिमूव्स टफ स्टेन्स इंक्लूडिंग फूड एंड ऑयल स्टेन्स विद इट्स एक्सेप्शनल पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज. सो ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था. साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जैसे कि हाइजीन ऑन व्हील, फ्रेश इंटीरियर, रिमूव मैल ऑर्डर, सेफ ऑन सर्फेसिस. एंड ये बॉटल कैन बेसिकली आती है 450 ml की एंड इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है 460 rupees. सो द पेरेंट कंपनी यहाँ पे है रिसेल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है. सो प्राइस आपने देख लिया यहाँ पे 460 rupees का है. एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ यूज़ एंड कॉशंस लिखे हुए हैं. तो आप चाहे तो इसको रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. एंड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नो CFCs, मतलब ये इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ नहीं है जो कि अगेन इसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाता है. एंड ऑफकोर्स इन्फ्लेमेबल है तो आपको थोड़ा सावधानी से इसको यूज़ करना है. एंड नाउ कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा. बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि वाई आई हैव चूज़न दिस प्रोडक्ट. बिकॉज लोगों का सिंपल सॉल्यूशन रहता है कि सैनिटाइजर यूज़ कर लो. बट सैनिटाइजर यहाँ पे बता दूँ, सैनिटाइजर बेसिकली बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता है एंड उसको किल नहीं करता बिकॉज इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर द सर्फेस. अगर मैं यहाँ पे सैनिटाइजर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो कि उसकी प्रोटेक्टिव कवर होगी. बट उसके नीचे जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया होगा वो वैसे के वैसे रहेंगे. और कुछ टाइम बाद जब सैनिटाइजर का काम खत्म हो जाएगा वो बैक्टीरिया फिर से वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी. अब एंटी बैक्टीरियल जो है हाइजीन इंटीरियर ये इस तरह से काम करता है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो सरफेस से उसको पेनिट्रेशन लेवल तक जाता है, मतलब बिल्कुल सरफेस के नीचे तक जाता है. वहाँ से उसको पेनिट्रेट करके वो बैक्टीरिया एंड जर्म्स को 100% एलिमिनेट करने की कोशिश करता है. एंड ऑल्सो ऑयल एंड स्टेन्स वगैरह ये जो डर्ट होती है सैनिटाइजर उसको क्लीन नहीं करता. बट दिस प्रोडक्ट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट. तो वो ऑयल, डर्ट एंड जो भी चीज़ें होती है, ग्रीस, स्वेट हो गया, अपने बॉडी ऑडर हो गया, ये सब चीज़ें वो उसको रिमूव करता है. सैनिटाइजर्स वो चीज़ें नहीं करता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट एड किट. तो अगर आप फर्स्ट एड किट में देखोगे तो आप सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हो. डिसइंफेक्टेंट बेसिकली जर्म्स की बिल्कुल मतलब रूट कॉज तक जाता है, वहाँ पे जर्म की रिप्रोडक्शन रोक देता है एंड वहाँ से जर्म्स कम्प्लीटली डाई हो जाती हैं. सो एंटी बैक इज़ द प्रोडक्ट हाइजीन इंटीरियर्स. एंड देख सकते हो इस तरह की बॉटल में आता है एंड दिस इज़ द ब्लैक कैप. ऊपर आपको ये नोजल दिया हुआ है. सो स्प्रे यहाँ से करना होता है. सो बेसिकली दिस इज़ अ फोम बेस्ड प्रोडक्ट एंड कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में. उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूँ. तो बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर चेक कर रहा था एंड एक बहुत ही मतलब हैरान करने वाला फिगर मेरे को पता चला है कि स्टेयरिंग व्हील्स अगर जो आप कहते हैं अपनी कार आप कितनी भी अच्छी साफ़ कर लो बट आपकी स्टेयरिंग व्हील्स के अंदर इतना जर्म्स एंड बैक्टीरिया होती है जो आपके टॉयलेट जो होते हैं ना पब्लिक टॉयलेट से भी 9 times ज़्यादा गंदा होता है. तो ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है फॉर योर कार इंटीरियर्स, फॉर योर मोटरसाइकिल्स. मोटरसाइकिल्स में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा. साथ ही साथ होम एंड ऑफिसेज में भी इसका यूज़ है.
तो वो भी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो गाइस, अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने हैंडल बार को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने लास्ट टाइम ये लगाया था अपने हैंडल बार पे, दिस इज ट्रिप मशीन हैंडल बार ग्रिप्स। तो अब ये लेदर वाले हैं एंड लेदर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते डायरेक्टली, और पानी से क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। ऑल दो यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ एक वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग दी गई हुई है, बट फिर भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि वाटर यूज़ करो। सो यहाँ पे एंटी बैग जैसा प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है। आपको इस तरह से पहले तो शेक कर लेना है, बॉटल शेक करके अब इसको स्प्रे करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया अब यहाँ पे, तो देख सकते हो ये अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो गया है। तो अब इसको बस हल्का सा क्लीन करना है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट हो गया। एंड बिकॉज दिस इज सेफ ऑन लेदर, ये थोड़ी देर में सूख जाएगा एंड कोई भी इसके ऊपर हार्श इफेक्ट नहीं होगा। सो गाइस, इस तरह से आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो। अभी देख सकते हो प्रॉपरली क्लीन हो चुका है एंड ये भी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से आप हैंडल बार पे अपने क्लीनिंग कर सकते हो। नाउ अब इस प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे अपने सीट पे, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपरली पहले शेक कर लेंगे, अब इसको हम स्प्रे करेंगे। सो इस तरह से मैंने स्प्रे कर लिया। दो से तीन मिनट तक आपको इसको बस ऐसे छोड़ना है। इसके बाद आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है, क्लीन क्लॉथ लेना है, इसको बस स्प्रेड करना है प्रॉपरली। ऑरेंज कलर एक्चुअली ये है, और ये देख सकते हो डर्ट कितनी यहाँ पे आ चुकी है इस पर। तो प्रॉपरली क्लीन एंड प्रोटेक्ट हो चुका है अपनी सीट। ऑफिस की बात करें तो हम यहाँ पे, चलिए इसको लेके चलते हैं अपने ऑफिस में। सो यहाँ पे हमारे पास है पार्लर चेयर, तो ये मैंने जानबूझ के थोड़ा यहाँ पे डर्ट क्रिएट किया है क्योंकि ये काफ़ी क्लीन थी चेयर, देख सकते हो। अब इसको क्लीन करेंगे प्रॉपरली, तो मैं स्प्रे करूँगा और फिर इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करेंगे। सो अप्लाई करते हैं इसको। तो ये प्रॉपरली मैंने स्प्रे कर दिया। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ये मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया, आप देख सकते हो जो मैंने अभी बाइक पे यूज़ किया था वही है। अब इसको यहाँ से ऐसे क्लीन करते हुए आते हैं। यू कैन सी प्रॉपरली बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कहीं कोई मार्क्स नहीं है, कोई फाउंडेशन के जो मैंने मार्क्स बनाए थे कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है एंड प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। एंड अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर एक शाइनर यूज़ कर सकते हैं, लेदर शाइनर, ताकि ये थोड़ा शाइन करता हुआ दिखे। बिकॉज अभी क्लीन होने के बाद बिल्कुल मैट जो इसकी प्रॉपर होती है शाइनिंग नहीं आएगी, जो इसकी एक्चुअल कलर रहती है वो है। बट शाइनर अगर आप चाहें तो आपका यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन परचेज दैट ऑल्सो। एंड गाइस, अब बात करें हाइजीन के लिए, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट राइडिंग गियर में ध्यान आता है वो है इसका हैंड ग्लव्स। तो यहाँ पे हैंड ग्लव्स को मैं क्लीन करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली ये लेदर वाले नहीं है, बट लेदर वाले के लिए काफ़ी सही है बिकॉज लेदर को ये इफेक्ट नहीं करता है, जेंटल ऑन लेदर है। बट यहाँ पे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, मतलब अगर आप वॉश नहीं करना चाह रहे हो या ऐसा सनी वेदर नहीं है तो आप इसको सिंपली इसे डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस। थोड़ी देर रखना है, इसके बाद आप इसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। सो गाइस, क्लीनिंग के बाद जो रिफ्रेशिंग सिट्रिक फ्रेग्रेंस आती है इसमें, वो इस प्रोडक्ट का बेस्ट पार्ट है, मतलब हैंड्स डाउन। इसीलिए ये मेरा फेवरेट है बिकॉज ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे आज तक किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिली एंड कोई भी मतलब केमिकल बेस्ड आपको स्मेल नहीं आएगी। रिफ्रेशिंग सूथिंग सिट्रिक स्मेल है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। सो बेसिकली ये तो मेरे सिंपल ग्लव्स है, बट अगर आपके पास लेदर ग्लव्स है तो इसके लिए एंटी बैक प्रोडक्ट काफ़ी सही रहेगा, मतलब लेदर ख़राब नहीं करेगा
एंड ऑफकोर्स लेदर का वॉश नहीं किया जा सकता है, सो उसके लिए ये काफ़ी सही प्रोडक्ट है एंड यू कैन ईजिली गो फॉर दिस। सो लिंक्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। कार ओनर्स के लिए तो यार दिस इज़ दी मस्ट हैव प्रोडक्ट, एंड अगर आपके पास बाइक भी है तो यार मैंने जैसे बताया आप हैंडल ग्लव्स पे, राइडिंग गियर्स पे एंड साथ ही साथ अपने हैंडल बार सीट्स पे यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देता है यहाँ पे भी। एंड ऑफकोर्स ऑफिस एंड होम पर्पज़ के लिए भी है, तो आप अपने फर्नीचर्स, लेदर्स, सीट्स वगैरह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यस, एंटी बैग इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड मुझे ये काफ़ी पसंद है एंड आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड दिस फॉर यू गाइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट राइट नाउ। सो या, गो फॉर दिस वन, यू वॉन्ट रिग्रेट इन योर लाइफ। जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं,